जो भाई गैस निकालते हुए गाड़ी ब्लास्ट, बताओ गाड़ी के अंदर आग लग जाती है अभी सारे मेटल चल गए, क्या भाई मेरा हाथ भी चल गया पैर भी चल ये सब रोक। पुलिस वाला कह रहे थे अच्छा कौन है चाचा, कौन है चाचा, बदमाश है। प्लान से निकल जाने का था, अब बता रहे हैं कि हाईवे पे कोई प्रॉब्लम रोड वगैरह में दिक्कत आ गई है, तो ऐसे रास्ता बंद है 20 तारीख के लिए। देखो बॉडी बिल्डर लाइन साथ में हम हमारा होटल का नाम है आइसलैंड, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दो बार इसके रिपेयर बैन में, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। ये बालकनी का व्यू है सामने के बारे में, और सामने बड़ा सा पहाड़ है और प्रीमियम लोग है सर। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10:30, हमने रूम कर दिया चेकआउट, अब हम जा रहे हैं सब भाई अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मिलते हैं और दिखाते हैं आपको विनोद भाई का है। ठीक है कमल भाई, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा भाई जो भी लोग स्पीति ये चंदा ला रहे हैं बिल्कुल बताना, मूड खराब कर, रास्ते बंद है, जब तक विलोक लाए तो रास्ते खुल जाएंगे वैसे तो, बाकी बंद है इसलिए हम जाने वाला प्लान कैंसिल हो गया चंदा जाने का, और बाकी हम देखते हैं कोई अच्छी लोकेशन और फुल एंजॉय ये दिखाते हैं फुल सिस्टम। चलो तो भाई बाहर आ गए ब्रेकफास्ट करने, और भाई जब भी हम आते हैं ना इन इंटी के पास आते हैं ब्रेकफास्ट करने, हम आज से 6 साल पहले से इंटी के पास ब्रेकफास्ट करने आते हैं, एक बार इंटी से जब भी आओ सोलन को लंच डे है ब्रेकफास्ट फिर इंटी के पास करना है। ठीक है इंटी बोल दो ये ना जरूर, ठीक है इंटी बढ़िया ब्रेकफास्ट करा दो सबको, चाय पिला दो पराठे खिला दो, ठीक है बढ़िया बनाना चाहिए। भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया है और भाई चाय पराठा खा रहे हैं सारे भाई पे। ये दीपक भाई हैं, कह रहे हम भी हैं, तो भाई ये पहले हैं दीपक भाई फॉर्म मार्केट में ये। चलो भाई करते हैं ब्रेकफास्ट, आगे का दिखाते हैं आपको। ओके भाई, तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, और भाई प्लान से निकल जाने का था, अब बता रहे हैं कि हाईवे पे कोई प्रॉब्लम रोड वगैरह में दिक्कत आ गई है, तो ऐसे रास्ता बंद है 20 तारीख के लिए, और भाई हो सकता है या केला हूँ या जिसपा और या शिशु कहीं भी हम स्टे कर सकता है, देखते हैं बेस्ट लोकेशन जो होगी वहाँ हम स्टे करेंगे। सब रेडी हो चुके हैं भाई चलने के लिए, बनोगे ढंग से होना। ये देखो बॉडी बिल्डर लाइन साथ में हम भाई की पाकिस्तान तक पहुँचे भाई, अपना हवा आवाज है भाई, सब भाई है कोई दिक्कत ना। भाई अभी क्या हुआ, ये हमारे दीपक भाई हुक्का लगा रहे थे गाड़ी में, और हुक्का लगाते लगाते इन्होंने पूरी गाड़ी में गिर दी कॉइल, जिससे कि हमारी गाड़ी ब्लास्ट, बताओ गाड़ी के अंदर आग लग जाती है अभी सारे मेटल चल गए, क्या मेरा हाथ भी चल गया पैर भी चल, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या बोलूं मैं, मेरे खुद हाथ पाए को मैंने फेंकी है, पता नहीं क्या कर रहा था पीछे से, एक्चुअली मैं वो दे रहा था ना प्रेशर ज्यादा बन गया था, मास्टर जल जाते हमारे, मेरे सोच के अंदर आ गई कोयल टूट के, टूट गया तुम्हारे अंदर जी, मेरे पैर गिरी तुम्हारे, हां सोच के अंदर। अच्छा अच्छा बताओ यार, 10,000 फीट ऊपर आ गए हैं चुके हम, वाइब जो वो थोड़ा रही बात है भाई, और पुलिस लाओ ना, मैं ज्यादा घूमने चला जी भाई, तुम्हें लाओ नीचे फिर भैया, ये साथ पी रहा है हमने, क्या पी रहा हुक्का पी रहे हम, अब तो फिले हुए टिकट में पहुंच गए हैं, अब जर्नी स्टार्ट करते हैं टनल से आएगी, ये साहब रोक रहे हैं अगली साइड लगाना भाई। ओके सर ओके, ये हमारी गाड़ी की आ जाओ भी आ जाओ सारे भाई, देखिए गाड़ी हमारी चेक हो रही है, चेक कर लो पूरी गाड़ी चेक हो रही है भाई, और सारे भाई नहीं छोड़ दिया होटल में, है छोड़ दे तुम होटल में, क्या कह रहा है ना, ना है कि ये भाई गैस निकालते हुए यहाँ से टनल पे मना रहे,
अब सिलेंडर बाहर निकाल दिया मैंने, घर सिलेंडर आने को सिलेंडर अलाउ नहीं है अटल सिलेंडर के अंदर। भाई अभी बलंग में आ गए हैं और भाई हमारा सिलेंडर वगैरह सब खाली कर दिया भाई, वीडियो बनाई सिलेंडर के हमने बनाई है हमने वीडियो, पुलिस वगैरह सिलेंडर खाली कर दिया इसे और बस ये है एमएलए के शिक्षिका की लगा रखा है ये आगे कैब की तरफ क्यों रखी है इसकी क्या नाम है पुलिस वाली तो हमारे नीचे रखवा दी कैब भी और एमएलए शिक्षिका भी छुटवा रहे थे पुलिस वाला मना कर दी हमें नहीं छुटाना सर सिस्टम पुलिस वाला कह रहा था ये अच्छा कौन है चाचा गैंगस्टर है चाचा विधायक है हमारे चाचा विधायक अरे बिना भूखा करते हो तुम शर्म लगाए कुछ बोलो कुछ क्या कह रहे पुलिस वाले चाचा हमारे विधायक पहले कौन है उनकी चाचा है और हमने भी कह दिया हम उठाएंगे स्टिकर स्टिकर जो कर रहे कर ले बोली पुलिस वाले ने बोली पिल्ले उठा के फेंक दो खाई में खत्म हो गई है और भाई बाहर का देखो सामने देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है का ये तुम्हारा सिसु सिसु सामने रखो भाई गाड़ी रोको गाड़ी रोको ना 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 गाड़ी रोको क्यों ए थोड़ा सा इंजन गाड़ी में लोगों से भाई गाड़ी रोको ना आपको समझ दो रास्ते जा रहे हैं एक तो जा रहा है ले कारगिल और श्रीनगर और एक जा रहा आपका रोहतांग पास काजा और चंद्रताल स्पीति वैली राइट पड़ता है स्पीति वैली और लेफ्ट पड़ता है ले भाई स्पीति वैली रोड पर निकल चुके हैं अब आगे देखते हैं क्या नजर होगा तो दिखाएंगे आपको चंद्रताल बंद हो गया है और आगे जाके पूछते हैं एक बार किसी चंद्रताल खुला हो तो देखते ड्राइव करते कल के लिए बाकी आप व्यू देखो ये भाई देखो लाहौल के नजारे सिसु विलेज आने वाला है थोड़ा आगे है जो लाहौल स्पीति में पड़ता है भाई रास्ते में रुके हैं और बारिश हो रही है और काफी बारिश हो रही है पीछे देखो बर्फ ही बर्फ है पीछे हमारे चारों तरफ बर्फ है और देखो वाटरफॉल इतना प्यारा वाटरफॉल है ये इतना ऊपर से आ रहा है देखो इतना प्यारा वाटरफॉल है बहुत प्यारा वाटरफॉल है बहुत अच्छा नज़ारा है देखिएगा लवाल पहुंच रहे हैं साथ में हाँ जी भाई दिल्ली एनसीआर में इनको ना लगते ठंड मंड क्योंकि ये पी रहे हैं बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और भाई ये पड़ता है तुम्हारे शिशु से आगे और इतना प्यारा वाटरफॉल है पानी इतना साफ है ना इसका इतना प्यारा पानी है आओ ये देखो कितना प्यारा वाटर भाई रोहतांग पास आ गए बहुत रश हो रहा है रोहतांग पास पे और खांसी हो रही है आपको तीन दिन से खांस रहा कुत्ते की तरह ना बस मैं एक्चुअली ना तीन दिन से कुत्ते की तरह खांस रहा तीन दिन से भाई एक बार होगा ये कुत्ते का पेट पहले इसकी गांड में दे दिया तुमने फिर मुंह से लगा रहा है तो भाई सिसु विलेज से 3 किलोमीटर आगे कैंप है ये देखो जिस पास काई मतलब आपका 60 किलोमीटर पहले और लोकेशन भी अच्छी लोकेशन है प्रीमियम लोकेशन है वाली ये देखो बहुत बड़ी लोकेशन है देखो यू पर ठंड बहुत हो रही है यार और बारिश हो रही 2 घंटे ठंड इतनी हो रही है मज़ा आ रहा है ठंड में पूरा भाई मैं आपको कैंप लोकेशन ये कैंप लोकेशन है सारी और भाई मैं आपको कैंप दिखा दूँ कैंप कैसे अंदर के
ये हमारा कैंप है, ये चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है, ये कंबल है, ब्लैंकेट वगैरह, और भाई ये दे रखा है हैंड वॉश का, और माल्टी, और आपका ये नहाने वाने का, और ये फ्रेश होने का। बाकी इस कैंप की जो कॉस्ट रखी गई है पर बंदे के 1500 रखी गई है, पर बंदे की 1500 रखे हैं, पर लोकेशन प्रीमियम है सारी, देखो कितनी प्यारी लोकेशन। तो भाई कैंप लिया था तो खाना का वो कह रहा था भाई 9:30 बजे खाना मिलेगा, अब सारे भाई को लग रही थी भूख, तो भाई मैंने सोचा कि मैगी बना ले, तो भाई मैगी बना लो सब भाइयों के लिए, ये बन रही हमारी मैगी भाई को खा दो, और सारे भाई भूखे बैठे हैं, देखो बीबी का नाम, ये भूखे भी हैं नंगे भी हैं, तो भी साड़ी का पल्ला है बीबी का नाम, साड़ी अंकित भाई पूरा मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, अंकित भाई का नाम, ये देखो घोड़े पे दीपक भाई घोड़े पे। तो भाई रात के 10:30 बज रहे हैं और हमारा भाई डिनर रेडी हो गया, मतलब डिनर मतलब लगा दिया उन्होंने हमारा, और हम सारे भाई बैठे डिनर खा रहे हैं, और डिनर में आपका मिक्स वेज है, दाल है, रोटी और चावल और सैलेड, ये सारी चीज़ें हैं, बटर लगा हुआ है। और भाई खाना अभी तो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ खाना कैसा है कैसा नहीं है, बाकी ठंड बहुत हो रही है, टेम्परेचर माइनस जा चुका है, लगभग -1-2 के आसपास टेम्परेचर है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। गुड मॉर्निंग भाइयों, तो भाई सुबह के बज रहे 10, और भाई अभी आधे घंटे पहले उठे हैं फ्रेश वगैरह होके, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, और भाई ब्रेकफास्ट ही बोल दिया है, ब्रेकफास्ट में पराठा, ऑमलेट और चाय और बटर टोस्ट, ये चार चीज़ ऑर्डर करी है। बाकी भाई धूप अच्छी निकल रही है, ठंड अब इतनी नींद नहीं, रात है दिन में लग रही थी, कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी यहाँ पर। बाकी मैं आपको भाई दिखाता हूँ बाहर का, मौसम जो है ना इतना अच्छा हो रहा है, बाहर का मजदूर निकल रही है। भाई सुबह के बजने 11, और भाई ब्रेकफास्ट लग गया है, और सारे भाई आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और कुछ भाई नए भाई मिले हमारे, और बहुत अच्छा नेचर है भाइयों का, पंजाब से मिले भाई, चंडीगढ़ से, हेलो कर दो भाई सारे, हेलो हेलो। और ये भाई तो आप जानते ही हो, दीपक भाई, दीपक भाई घोड़े पे KGF के रॉकी है, नो कमेंट्स भाई ने कहा, नो कमेंट्स भाई का ही को, नो कमेंट्स। देखो कुछ कहना चाहोगे भाई के बारे में, मेरे लिए काली कमेंट बोलना चाहूंगा भाई, हमारे साथ एक ऐसा बंदा है जो लाइन ले जाने के लायक ही ना वैसे तो कहीं, ठीक है, पर दिखा दो सामने कौन है, दिखा दो एक बार, दिखाइयो कौन है वो सब पता भाई, यू बंदा ना, हां बोलो बोलो बोलो, ये बंदा जहाँ लड़की दिख जाए वहीं लट्टू, वहीं गाड़ी उतरवा देता है, रुकवा देता है, वहाँ पर चला जाता है भाई, और वहाँ से नंबर ले आता है भाई, असार तो सपोर्ट भाई है, तो से नंबर लिया है? को बड़ा चला के बोल रहा है भाई, एक बंदा हमारे इधर, ठीक है, इतनी दूर आए हम तो उसको थोड़ी सी दिक्कत, खांसी हो रही थी, तो हमने बोला कि भाई गर्म गर्म पानी पी लो दवाई, भाई कुत्ता खांसी से कहते हैं ना, कुत्ता वाली जंगली कुत्ते जो होते हैं फिर आज की जर्नी क्या होगी, क्या करते हैं, अभी अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो भाई रिवर साइड जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके अभी, और भाई पानी बहुत ठंडा रिवर का, आपको रिवर साइड दिखाता हूँ मैं, सारे लोग वहीं बैठे हुए हैं, ये देखो रिवर,